रिसीवरों की मौजूदगी में खोली गई। पाबंदी के 3 महीने बाद बुधवार को इन्हें खोला गया और रिसीवर की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन और ट्रस्ट की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में नोटों की गिनती शुरू हुई। इन दान पेटियों से पता चल सकेगा कि अचलेश्वर महादेव मंदिर में कितना दान आया है। आपको बता दें कि अचलेश्वर महादेव मंदिर में चल रही गड़बड़ियों को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त किए हैं। दोनों रिसीवरों को अनेकों कमियां मिली थी। ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की दान पेटियां आज कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवरों की मौजूदगी में खोली गईं। पाबंदी के 3 महीने बाद बुधवार को इन पेटियों को खोला गया। इन दान पेटियों से पता चल सकेगा कि अचलेश्वर महादेव मंदिर में कितना दान आया है। अचलेश्वर महादेव मंदिर में चल रही गड़बड़ियों को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में न्यायालय ने दान पेटियों में नोटों के साथ साथ अर्जियां, चांदी के सर्प और ऐसी चीजों के अलावा पुराने नोट भी दान पेटी में मिले हैं। किसी ने अपनी पढ़ाई और पास होने की अर्जी भी डाल के रखी है तो कहीं कहीं अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए प्रेम पत्र भी दान पेटी के हवाले कर दिए गए थे। बता दें, अचलेश्वर महादेव ट्रस्ट की व्यवस्थाओं को लेकर कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। उसके बाद कोर्ट ने अचलेश्वर महादेव ट्रस्ट के प्रबंधन की देखरेख की जिम्मेदारी रिटायर्ड जजों की कमेटी के रूप में रिसीवर नियुक्त करते हुए व्यवस्थाएं प्रशासन के हाथ में ले ली हैं। अप्रैल 2022 से दान पेटियां खोलने पर रोक लगाई गई थी। आज पेटी दान पेटियों के खोलने का कार्य आरंभ हुआ है। ये दान पेटियां लगभग 2.5 महीने 3 महीने पहले प्रशासनिक अधिकारी श्री बनमारिया जी SDM के द्वारा सीलबंद की गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर सभी पेटियां चूँकि सीलबंद थी तो इनको बिना उनके सील खोले इनको दान पेटियों का खुलना और जमा राशि का गिनना संभव नहीं था। तो 2-3 बार की लिखा पढ़ी के बाद आज का दिन नियत हुआ और आज वो कार्य हो रहा है। आइए आज आपको दिखाते हैं ग्वालियर में एक अद्भुत नज़ारा। और ये अचलेश्वर महादेव ट्रस्ट का एक जो पेटियां आज खोली गई हैं, ये कोई खजाना है, ये निकला है, ये ग्वालियर के श्रद्धालुओं ने जो अचलेश्वर महादेव ट्रस्ट पर यहाँ पर जो दान पेटी में जो दान किया है उसमें उनकी काउंटिंग की जा रही है। और इस काउंटिंग के तहत यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम, कोर्ट के रिसीवर और अन्य जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। लोगों ने देखिए कि 2000 रुपये का नोट भी दिया है, जो अपने आप में अद्भुत है कि भोले बाबा के दरबार में लोगों की आस्था है और अपनी मन्नतें और अर्जियों के साथ साथ जो नोटों की जो काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है वो इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं लोगों में आस्था है। लेकिन जो पेटियाँ आज खोली गई हैं उसमें बहुत सारे जो धनराशि तो निकल रही है लेकिन लोगों के दिल के गुबार और रहस्य भी यहाँ पर निकल रहे हैं जो कि उन्होंने अर्जी के रूप में यहाँ पर लगाए थे। और जो पेटियाँ खुली गई हैं, करीब 3 महीने बाद पेटी खोली गई है, इन पेटियों का अलग ही एक नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर जो काउंटिंग की जा रही है इसमें उम्मीद की जा रही है कि करीब 10 लाख रुपए की राशि यहाँ पर भोले बाबा के दरबार में निकलेगी। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS News, ग्वालियर।